यूपी के बदायूं में भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्कूली बच्चों ने विशाल तिरंगा फहराकर सैनिकों की शौर्य गाथा को नमन व वंदन कर उन्हें याद किया। श्री ओम प्रकाश शर्मा इंटर कॉलेज अब्दुल्लागंज में भारतीय सैनिकों के सम्मान में बालक बालिकाओं ने मीनारों का शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय सैनिकों ने LAC पर चीनी सैनिकों को करारा जवाब देते हुए गलवान घाटी में विशाल तिरंगा फहराया और अपने प्रभुत्व का संदेश दिया। बच्चों ने भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा को नमन वंदन किया। पूर्व जिला ट्रेनिंग कमिश्नर एवं गायत्री परिवार के संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति को पूरी दुनिया देख रही है। भारतीय संस्कृति, संस्कार और सभ्यता की खुशबू से विश्वधारा महक रही है। उन्होंने कहा कि चीन अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने दुनिया को कोरोना जैसी महामारी और पाकिस्तान ने आतंकवाद दिया, जिससे दुनिया भर के देश आज भी भारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। अब भारतीय सैनिकों के शौर्य के सामने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की चालबाजी और दुष्प्रचार टिक नहीं पाएगा। भारतीय वायुसेना के पूर्व सैनिक अजब सिंह ने कहा कि भारतीय सैनिक ही चीन का अकड़पन और असभ्यता दूर करेंगे। चीन भारत की ताकत को पहचान नहीं पाया। प्रधानाचार्य RP सिंह ने बच्चों को सम्मानित किया। इस मौके पर शालिनी शर्मा नीलोफर, मनोज कुमार, विपिन मिश्रा, संदीप कश्यप, संजीव कुमार, सुमन सक्सेना, रश्मि यादव, पूर्णिमा सक्सेना, भावना शर्मा, मिथिलेश कुमारी, अश्मी उपाध्याय, विदुषी, रेणु शर्मा, दीपिका आदि मौजूद रहीं। इंडिया पावर न्यूज के लिए M आरिफ खान की विशेष रिपोर्ट। भारत माता की जय।